तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका, एनएसए के 94 मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किए रद्द, योगी सरकार को लगाई है फटकार। कहा है योगी कर रहा है मुसलमानों पर कानून का दुरुपयोग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की ईवीएम चोरी की खुली पोल, पश्चिम बंगाल में मतदाता डाल रहे हैं टीएमसी को वोट, लेकिन वोट जा रहा है भाजपा को, बंगाल में टीएमसी ने यह लगाया है गंभीर आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के किसानों ने भाजपा जजपा नेताओं को दी खुली चेतावनी, कहा अगर कृषि कानून नहीं करवाए आपने रद्द तो प्रदेश में नहीं करने देंगे आपको एक भी चुनावी रैली। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम ममता बनर्जी ने लगाया है आज भाजपा पर आरोप, टीएमसी के वोटरों को खुलेआम धमका रहे हैं केंद्रीय बल, चुप है चुनाव आयोग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा की बड़ी मुश्किलें, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को मिली है जान से मारने की धमकी, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी है चिट्ठी, सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की है मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों से की टीएमसी के पक्ष में मतदान करने की अपील, तो बौखलाई भाजपा पहुंची, चुनाव आयोग ममता पर केस दर्ज कराने की दी है धमकी। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, दिल से वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका, एनएसए के 74 मामले कोर्ट ने किए रद्द, योगी को लगाई है फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज योगी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार की ओर से 94 मामले में एनएसए लगाए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने ये आदेश 120 मामलों में सुनवाई को लेकर दिया है। जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के बीच 124 मामले मुसलमानों पर एनएसए के योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लगाए थे। इन मामलों में हाई कोर्ट ने सुनवाई की और 94 मामलों में अदालत ने जिला अधिकारियों की ओर से दिए गए 32 मामलों को भी रद्द कर दिया है और पाबंदियों को रिहाई के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने एनएसए योगी सरकार द्वारा लगाए जाने को दुरुपयोग माना है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की एफआईआर में अहम जानकारियों को कट पेस्ट कर दिया जाता है, उसके बाद हिरासत के आदेश पर जिला अधिकारियों के आदेश ऐसे लगते हैं कि इन मामलों में दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया से वंचित करना योगी सरकार की चाल है। वहीं जमानत रद्द करने के आदेश पर योगी सरकार को फटकार लगाई है और 94 मामले एनएसए के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज लगा है। योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कानून के दुरुपयोग पर सवाल उठाए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा का ईवीएम खेल हुआ शुरू, मतदाता टीएमसी को डाल रहे हैं वोट मगर जा रहा है भाजपा को। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है जिसमें भाजपा ने अपने ईवीएम का खेल शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी ने आज भाजपा पर पश्चिम बंगाल में आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मतदाता वोट डाले हैं, लेकिन वोट ईवीएम से भाजपा को जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आरामबाग से टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल ने आरोप लगाया है कि कई स्थानों पर ईवीएम की स्थिति ठीक है, लेकिन कई स्थानों पर ईवीएम की स्थिति ठीक नहीं है। जहां पर टीएमसी मजबूत है उन स्थानों पर लोग टीएमसी के लिए मतदान कर रहे हैं, लेकिन वोट बीजेपी को जा रहा है। आगे जो है टीएमसी उम्मीदवार ने कहा है कि आरएनडी में हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, केंद्रीय बल भी उन्हें वोट नहीं डालने दे रहे हैं और केंद्रीय बल धमका रहे हैं कि टीएमसी को वोट ना दें और भाजपा को वोट देकर यहां से जिताएं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का ईवीएम खेल शुरू हो गया है, मतदाता टीएमसी को वोट डाल रहे हैं लेकिन वोट भाजपा को जा रहा है और चुनाव आयोग भी इस पर चुप्पी साधे हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों बंगाल से।
इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने हरियाणा में भाजपा जजपा विधायकों को दिया अल्टीमेट, कहा अगर कृषि कानून नहीं करवाए आपने रद्द तो पूरे प्रदेश में नहीं करने देंगे आपको कोई भी कार्यक्रम। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर हरियाणा के किसानों ने आज हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को कड़ा अल्टीमेट देते हुए चेतावनी दी है। किसानों ने भाजपा को अल्टीमेट दिया है कि अगर आपने तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करवाया तो भाजपा और जजपा विधायकों का पूरे हरियाणा में कहीं पर भी कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। जहां पर भी भाजपा के नेता कार्यक्रम करेंगे वहां पर किसान पहुंचकर इसका विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर कोई भी जनसभा को भाजपा और जजपा के विधायकों को राज्य में नहीं करने देंगे, जिसके बाद भाजपा और जजपा के विधायक चिंता में पड़ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि खुफिया एजेंसी भी भाजपा ने सतर्क की है, क्योंकि किसान लगातार भाजपा नेताओं को पीट रहे हैं, उनके कार्यक्रम में उपद्रव मचा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने बड़ा अल्टीमेट दे दिया, जिसके बाद हरियाणा की भाजपा और जजपा सरकार डर गई है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, टीएमसी के वोटरों को खुलेआम धमका रहे हैं केंद्रीय बल, चुप है चुनाव आयोग। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, 31 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। करीब 78,52,425 वोटर्स अपने मत अधिकार का प्रयोग आज बंगाल में कर रहे हैं। वहीं 205 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग वाली कुल 31 सीटों में से 16 सीटें दक्षिण 24 परगना, 7 सीटें हावड़ा और 8 सीटें हुगली जिले में हैं। यहां शांतिपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र टीएमसी का गढ़ माना जाता है और इन इलाकों में टीएमसी की जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इन सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा पर आरोप लगाया है कि जो भाजपा ने केंद्रीय बल को पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान तैनात किए हैं वो टीएमसी वोटर को धमका रहे हैं और खुली धमकी दे रहे हैं कि आप टीएमसी को वोट ना करें और भाजपा को वोट देकर यहां से भाजपा को जिताएं। वहीं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय बलों की खुली धमकी के बीच चुनाव आयोग बिल्कुल चुप है और चुनाव आयोग किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है और खुलेआम धमकी केंद्रीय बल दे रहे हैं और केंद्रीय बल मोदी के दबाव में बंगाल में काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने आज भाजपा पर बंगाल में लगाया है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा की बड़ी मुश्किलें, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को मिली जान से मारने की धमकी। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भाजपा की आज मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुबह ईमेल के द्वारा भेजे गए एक पत्र में मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल आपको बता दें कि सीआरपीएफ के मुंबई कार्यालय को 15 अप्रैल सुबह एक ईमेल भेजा गया है। रिपोर्टों के मुताबिक इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक ईमेल में धार्मिक स्थान जैसी जगहों पर हमले की बात कही गई है। ये भी लिखा गया है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को फिदायीन हमले से मारा जाएगा। इंडिया टुडे के अनुसार मेल में उल्लेख है कि हम 11 फिदायीनी हमलावर हैं जो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को मारेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले योगी आदित्यनाथ को मैसेज के जरिए भी जान से मारने की धमकी मिली थी। मैसेज में कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर AK-47 से योगी आदित्यनाथ को उड़ा देंगे, अगर खोज सकते हो तो मुझे खोज कर दिखाओ। उससे पहले 21 नवंबर 2020 को भी यूपी के 112 के हेल्प डेस्क के व्हाट्सएप नंबर पर भी एक धमकी भरा मैसेज दिया गया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। और इसी प्रकार अब गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी मिली है और भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कभी भी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह पर हमला हो सकता है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की सुरक्षा भी जल्द योगी सरकार बढ़ा सकती है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रमजान में उमरा को लेकर सऊदी अरब सरकार ने आदेश किया जारी, बिना कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के नहीं करने दिया जाएगा सऊदी अरब में उमरा। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सऊदी अरब में रमजान के दौरान उमरा के लिए सऊदी अरब सरकार ने लोगों के लिए एक नई आदेश जारी करते हुए 3 कैटेगरी बनाई है। जी दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब सरकार ने आदेश जारी किया है कि रमजान के दौरान उमरा के लिए जो भी विदेश और देश से लोग आ रहे हैं उनको बिना कोरोना वैक्सीन की निगेटिव रिपोर्ट दिखाए उमरा नहीं करने दिया जाएगा।
सऊदी अरब सरकार ने इसको लेकर आज आदेश भी जारी कर दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि भारत सहित सऊदी अरब में एक बार फिर से कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं और इसी को लेकर ये आदेश सऊदी अरब सरकार ने जारी किया है कि रमजान के दौरान जो लोग भी मक्का में उमरा के लिए आएंगे, जब तक वह कोविड 19 वैक्सीनेशन और कोविड 19 की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लेकर आएंगे तब तक उन्हें उमरा नहीं करने दिया जाएगा। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल में ममता बनर्जी ने मुसलमानों से की अपील, टीएमसी के पक्ष में करें मतदान और भाजपा को यहां से हराएं। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भाजपा ने सोमवार को निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य की विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को अपनी पार्टी के पक्ष में एक साथ आने तथा मतदान करने की बात कर उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने हाल ही में मुस्लिम बहुल इलाकों में ऐलान किया था कि टीएमसी के पक्ष में पश्चिम बंगाल के मुसलमान इकट्ठे होकर मतदान करें और भाजपा को यहां पर बुरी तरह से हराएं। इसी से बौखलाई भाजपा अब निर्वाचन आयोग ममता बनर्जी की शिकायत को लेकर पहुंच गई है और ममता बनर्जी पर केस दर्ज कर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों पश्चिम बंगाल से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, सभी कोरोना वैक्सीन लगाने की है केजरीवाल ने मांग। जय दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश की है कि टीकाकरण केंद्र खोलने की शर्तों में छूट दी जाए ताकि ज्यादा सेंटर खोले जा सके। साथ ही वैक्सीन लेने के लिए 45 साल से ज्यादा उम्र होने की जो बद्धता मोदी सरकार ने जारी की है उसे खत्म कर दिया जाए जिससे हर उम्र के लोगों को टीका लगाया जा सके। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में कोरोना के मामले बढ़ने से नई चुनौती हमारे सामने है, ऐसे हमें टीकाकरण अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। हमने प्रधानमंत्री मोदी से टीकाकरण केंद्र खोलने की शर्तों में छूट और टीकाकरण की उम्र सीमा घटाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि 18 से कम उम्र के लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने की उम्र 45 साल रखी है। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को भारत में कोरोना वैक्सीन मोदी सरकार लगा रही है। इसी बीच बच्चे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने लगाया भाजपा पर आरोप, छत्तीसगढ़ में नक्सली विरोधी अभियान की योजना ठीक ढंग से भाजपा ने नहीं बनाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को भाजपा पर आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली विरोधी अभियान की सही तरीके से तैयारी मोदी सरकार ने नहीं की, इसका क्रियान्वयन भी अयोग्यतापूर्वक किया गया। वहीं आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि हमारे जवानों को जब चाहे तब शहीद होने के लिए नहीं देश में छोड़ा जा सकता। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 22 जवान शहीद हो गए हैं तथा 31 अन्य जवान बुरी तरह से घायल हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला और राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार में हमारे जवानों की इतनी जान सस्ती हो गई है कि हर दिन हमारे एक ना दो जवान शहीद होते रहते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टीएमसी ने बंगाल में किया ऐलान, भाजपा से ले लें वोटर्स पैसे लेकिन वोट दें टीएमसी को ही। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को भाजपा पर बंगाल में मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए लोगों से कहा कि वे पैसे ले लें लेकिन वोट उनकी ही पार्टी को दें। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में यदि भाजपा सत्ता में आई तो राज्य में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने लोगों से कहा कि भाजपा लोगों को धन बांट रही है और उनसे वोट देने को कह रही है। मैं आप सबसे कहता हूं कि आप धन ले लें, इसे वापस ना करें, लेकिन वोट टीएमसी को दें और ममता बनर्जी को बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनाए। तो अभिषेक बनर्जी ने ये बड़ी मांग भाजपा सहित जो है बंगाल के लोगों से की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता रघु शर्मा का भाजपा पर निशाना, कहा अमित शाह के नाम से फैलाया जा रहा है देश में खौफ, वो गृह मंत्री हैं या फिर गब्बर सिंह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सोमवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी इन दिनों अमित शाह के नाम पर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में सभी को डरा धमका रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना बाकी है। इस विधानसभा सीट पर लादू राम पितलिया
के मामले में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर राजनीतिक तंज कसते हुए हमलावर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जयपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बात की। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आज सरेआम प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है, वहीं बीजेपी के लोगों के आईडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा है। उन्होंने उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी लादूराम पितलिया के मामले में वायरल आईडियो का जिक्र करते हुए कहा कि कर्नाटक के वित्त मंत्री आर अशोक और विधान परिषद सदस्य ने कर्नाटक में लादूराम पितलिया के परिवार वालों की सभी दुकानों पर ताला लगवा दिए हैं और पुलिस भेजकर उनको डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के नाम से प्रदेश में खौफ फैलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री हैं या फिर गब्बर सिंह? तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, इनकी मौत अली को वापस।